नमो बुद्धाय। मैं डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर आज जीजा माता राष्ट्रमाता जीजाऊ के जयंती पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, राजमाता जीजाऊ की जयंती की जय, राजमाता जीजाऊ की जय। मुझे गर्व इस बात का है कि जहां राजमाता जीजाऊ का जन्म हुआ है, वही की परिसर का मेरी भी शादी हुई है। विदर्भ की कन्या जाधव परिवार से माता राजमाता जीजाऊ का जन्म हुआ और वो जन्म सिंधखेड़ राजा जहाँ बुल्ठाने के परिसर में हुआ, और उसी बुल्ठाने के परिसर पर मैं हर साल जीजा माता इनका दर्शन लेने सिंधखेड़ राजा में जाता हूँ और वहाँ जीजा माता का पुतले का नमन करता हूँ। उसी पुतले का हमारा एक साथी इंगड़े है, जिसने सावित्री देवी की जयंती पर सावित्री देवी का पुतला और माँ रमाई का पुतला और आज जीजा माता का पुतला बन रहा है, तो मुझे गर्व इस बात का है कि फादर हाउस में तीनों माता का पुतला बनकर संत तुकाराम के भी पुतले के साथ में ये परिसर सुशोभित होगा। महाराष्ट्र के परिसर में या देश के परिसर में ऐसा एक स्कूल में तीन माता का संगम है, जहाँ की संस्था का नाम है जीसार, जीजा माता। 20 साल के पहले हम जीसार नाम की शिक्षण पथ संस्था का निर्माण किया है। बहुत लोगों ने पूछा कि ये नाम क्या है जीसार, तो जीसार यानी सबका मंगल होगा, सबका कल्याण होगा। ये तीनों माता का नाम से ये संस्था का नाम है। 25 साल के पहले मेरे दिमाग में एक ऐसी पथ संस्था निर्माण करना जिसका नाम जीसार हो, बुल्ठाना अर्बन पथ संस्था के पहले ये पथ संस्था हमने निर्माण की। लेकिन कालांतर में हमारा अकेले का कारोबार बढ़ते बढ़ते शिक्षण संस्था की ओर गया और हमने जीसार शिक्षण पथ संस्था को जितना बढ़ाना था उतना बढ़ा नहीं सके। कोई बात नहीं, अभी इसका रोप ऑलरेडी लगा हुआ है और पानी देने में और कुछ खत पानी देने में कमतरता हुई है, तो आज यहाँ हम जीसार की ऑफिस भी खोले हैं। तो मेरे साथियों, मुझे गर्व इस बात का है कि जहाँ जीजा माता का जन्म हुआ उसी के 10-15 किलोमीटर में बुल्ठाना में उसी पहाड़ी पर जहाँ शिवाजी महाराज और राजमाता जीजाऊ की बहुत बड़ा पराक्रम किए, उसी परिस्थिति में उसी आंगन में हमारा कॉलेज है, वो जीजा माता का ही परिसर है, इस बात का गौरव है। जीजा माता का परनाती मुझे हरदम मिलते हैं, वो जाधव परिवार से हैं और मुझसे बातें करते हैं। मुझे गर्व उस बात का है कि ये जाधव परिवार से जीजा माता का निर्माता हुआ है और वहाँ पूरे सिंधखेड़ राजा में महार समाज का भी नाम जीजा माता है जाधव है और मराठे समाज का भी नाम जाधव है। बड़े गर्व से कहते हैं कि जाधव सरनेम पर ये
इसका इतिहास भी हमने देखना चाहिए। शिवाजी के जन्म के पूर्व महाराष्ट्र में बहुत ही अनागोंदी कारोबार था। राजकीय और सामाजिक क्षेत्र में निराशाजनक वातावरण फैला हुआ था। प्रजा की परिस्थिति अत्यंत दयनमाप हुई थी। सत्ता की गुलामगिरी प्रजा स्वाभिमान से खो चुकी थी। हरदम होने वाले आक्रमण पर प्रजा में भीति डर निर्माण हुआ था। हर जगह व्यवसाय त्रुटि, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अपना कारोबार बेचा जाता था। हिंदुओं की देवालय तोड़ मोड़ की जाती थी। धर्म का कोई वाली नहीं था। प्रजा किसी तो भी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागती थी। स्त्री समाज की अबरू लूटी जाती थी। ऐसे विकट परिस्थिति में महाराष्ट्र के प्रजा पर असुरक्षित वातावरण फैल गया था। महाराष्ट्र की प्रजा 300 सालों से इन गुलामगिरी में गिर गई थी। ऐसे काल में परिस्थिति में माता राजमाता जीजाऊ का, हमारे विदर्भ की लाडली बेटी का जन्म सिंदखेड राजा में हुआ। उस परिस्थिति में यवनों पर अन्याय अत्याचारों के बड़ी यवन राजे असंस्कृतित धर्म के बाबतीत अशुंचित थे। इसलिए महाराष्ट्र में कत्ल, जाड़पोड़, मंदिरों की जगह मस्जिदी, स्त्रियों का और फौरन इस्लाम धर्म के स्वीकारने के लिए जबरदस्ती परिणाम। तो ऐसे परिस्थिति में जान बचाने के लिए हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म का स्वीकारना लोगों का तय हुआ। और बहुत सारे हिंदू लोग जो आज हमारे साथी है, वो आज कई दिन से मुसलमान बन गए। हिंदू के पवित्र रहते हुए गैया को अत्यंत क्रूरप ने कत्ल किया जाता है। आज भी ये बातें हमको दिखती है। अनेक हिंदू स्त्रियों का जबरदस्ती थे जनान खाना में रवाना करना, हर प्रकार के कर लगाना। 300 सालों से गुलामगिरी में महाराष्ट्र की जनता लाचारी से अपना जान बचाती थी। हिंदू से मुसलमान के तरफ, इस्लाम के तरफ परिवर्तित होती थी। और ऐसे परिस्थिति में, कठिन परिस्थिति में, बहुत गंभीर परिस्थिति में कैसा जीना, ये बहुत बड़े कठिन काम हुआ था। इस टाइम पर देव धर्म, साधु संत और पवित्र बातों के लिए शिवाजी का निर्माण होना एक काल की प्रवृत्ति थी। और ऐसे परिस्थिति में एक बाल शिवाजी का निर्माण होना ये कोई साधारण बात नहीं थी। तो दोस्तों, आज जीजा माता का जयंती के उपलब्धि पर हम बड़े गर्व से, बड़े खुशी से कार्यक्रम लेते हैं। ये कार्यक्रम लेने के पीछे जीजा माता की देन है। इस कार्यक्रम लेने के पीछे शिवाजी महाराज की ही ताकत है, यह हम नहीं भूलना चाहिए। सिंदखेड राजा में
जब माता का जन्म हुआ, उन्होंने बाद में उनके पिताजी से शादी होकर शिवाजी महाराज का निर्मिति होना यह हमारे गर्व की बात है। उस माता ने बड़े मेहनत से अपने बच्चे को शिवाजी को जन्म दिया। शिवाजी की परीक्षा ली जाती थी देव धर्म साधु संत पवित्र बाबू को शिवाजी के दिल में आदर पहनाया गया। शिवाजी के दिल में वीर वृत्ति सद्बुद्धि लाई गई। उनके दिल में यौनों के बारे में चीर निर्माण होना ये भी आवश्यक बात थी। शिवाजी का जड़न घड़न योग्य मार्ग से होता ये मातुश्री को जीजा माता को बहुत आनंद होता था। अभी शिवाजी बड़े हुए, घर के आंगन में उनका मन नहीं रमता था। ऐसे परिस्थिति में आजू बाजू के लड़कों को कलेक्ट कर वो उनके साथ में बालपन से खेलते थे। शिवाजी माती के किले बनाकर बचपन में बहुत सारी आकांक्षा अपने दिल में रखे थे। वो राजकारण के लुटपुट छोटे मोटे खेल भी खेलते थे। किला जीतने के लिए आसपास में लड़ाई खेलते थे और उस गट में बाल शिवाजी का हमखास विजय होता था। तब जीजा माता को बड़ा आनंद होता था। तब जीजा माता बड़े गर्व से अपने बाल को शिवाजी को पीठ थपथपाते थे। उनको बड़ा आनंद होता था कि मेरा लड़का अभी से ही इस बात की तरफ ध्यान दे रहा है। शिवाजी का कौतुक करने के लिए शाहजी राजा कभी कभी टाइम निकालते थे। वो हरदम हर मोहिमा पर रहते थे, इसलिए जीजा माता के देख रेख में शिवाजी का जड़न घड़न हुआ। शिवाजी सन 1667 निजाम के राज्य मिट गया, कर्नाटक का उनको कर्नाटक को भेजा गया। इसलिए जीजाबाई और शिवाजी को पुणे में भेजा गया। पुणे के शाहजी जहांगीर में वो थे, इसलिए शिवाजी का देखभाल बड़े अच्छे से होना तय हुआ था। इसलिए शाहजी ने इनको पुणे भेजकर महाराष्ट्र की क्रांति करने का योगदान भी किया। शाहजी ने जीजाबाई और शिवाजी के उनकी रकमदारी के लिए दादाजी कोंडगे को भी भेजा और कर्तव्यगार और विश्वासु सेना के कारण उनको पुणे में भेजने का जो निर्णय लिया ये बहुत मूल्य का निर्णय था। शाहजी राजा के आज्ञा के अनुसार दादाजी कोंडदेव, जीजाबाई और शिवाजी इनको पुणे में भेजा गया और वो पुणे में गए। लेकिन वहाँ मुगल फौजों ने कुछ ही महीने के पहले आक्रमण कर पुणे के देव देवालय उध्वस्त किए थे। दादोजी कोंडदेव इन्होंने जीजाबाई और शिवाजी के लिए पुणे में एक नया बाड़ा बांध दिया था और उस बाड़े का नाम लाल किला रखा गया था। देव देवालय की नए प्रकार की व्यवस्था की गई थी, बाजार पेट निर्माण किए गए थे और पुणे में इस तरह से परिस्थिति बदलती गई। दादाजी कोंडदेव ये बहुत ही निष्ठावान थे
और शाहजी राजा के भोसले के अत्यंत नजीक के थे। निजामशाही में एक गांव में कुलकर्णी और दूसरे में कोंडदेव का किलेदार थे। जीजाबाई इनके गुण में देखकर और इन लोगों को कुलकर्णी और दादा कोंडदेव को वो रिस्पेक्ट करती थी। शिवाजी पर वो लोग पुत्र से भी ज्यादा प्रेम करते थे। दादाजी कोंडदेव ने शिवाजी की पूरे शिक्षण की पूरी व्यवस्था की। शिवाजी बड़े हुए और जांगीदार उनको समझने लगी। दादाजी कोंडदेव शिवाजी राजा को शिवाजी को बाल शिवाजी को अपने साथ में रखते थे। इसमें श्रेय पूरा जीजा माता का था। दादाजी के मार्गदर्शन पर शिवाजी प्रत्येक काम में निष्पान होते गए। अपने मेहनत की चीज देखकर वो खूब आनंद होता था। शिवाजी का बौद्धिक क्षमता और निरीक्षण कौशल देखकर दादाजी के कोंडदेव ने उनको राज कारोबार शुरू किया। शिवाजी के राज कारोबार को शिक्षण के समान शारीरिक व्यायाम, मर्दान की खेल ऐसे उनको पढ़ाया गया। इसमें जीजा माता खास करके ध्यान देती थी और वही ध्यान आगे हमें महाराष्ट्र बचाने में, पूरा देश बचाने में हुआ। शिवाजी के मार्गदर्शन पर, दादाजी कोंडदेव के मार्गदर्शन पर, माँ जीजाऊ के मार्गदर्शन पर घोड़े पर बैठना, तलवार चलाना, भाला फेंकना, निशानाबाज, मल्ल युद्ध, दरीखोरी में भ्रमण करना आदि का प्रशिक्षण दिया गया। अपने जहांगीरदार का वचन होते हुए चोरटों को, फितुरों को, बदमाशों को बड़े कठोर शासन करते थे। रानटी जनावरों को बंदोबस्त किया। कुलकर्णी का भी वैसा ही काम है। कुलकर्णी भी बहुत अच्छा काम किया और कुलकर्णी और दादाजी कोंडदेव की वजह से और खास करके जीजा माता के देखरेख के वजह से ये सब काम हुआ। शेतकारी को खेती उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्तेजन देना, कृषि विषय का आवश्यक सुधारना करना। दादोजी कोंडदेव ने जहांगीरदार की प्रजा अत्यंत तो खुश थी। ये सभी घड़ा मोड़ी पर शिवाजी अत्यंत तो बारीक बारीक बातों की तरफ ध्यान देते थे और इस ध्यान के पीछे उनका जीजा माता का ही हाथ था। जहाँ भी देव देवालय उद्ध्वस्त हुए हैं उनका पुनर्स्थापना करना, शेष तारा को आखिरी करना, इस सुधारने के पीछे जीजा माता की प्रेरणा और मार्गदर्शन थे। इस तरह से दादाजी कोंडदेव का कुशल मार्गदर्शन से, जीजा माता का एक अभ्यास से और अनुभव से, और शिवाजी को एक राजा बनाने में जीजा माता का बहुत बड़ा हाथ है। जीजा माता के दिल में, शरीर में जड़न गड़न होती थी। शिवाजी को स्वाभिमान, विजापुर, आदिलशाह राजधानी चारों बाजू से बहुत कड़कोच बंदोबस्त था। गरीबों का शोषण कर कर राज दरबार श्रीमंत का प्रदर्शन किया जाता था। प्रजा को 2 टाइम का खाना नसीब नहीं था। भूखे पेट रहकर 300 साल तक जो गुलामगिरी थी उसको नष्ट करने में शिवाजी महाराज की ताकत बढ़ी। बहुत सारे नए नए प्रकार के कर लगाकर, धानों के कोठार अपने अंडर में रखकर, पंच पकवान की मेजबाना करते हुए खुद राजा खुश थे, प्रजा दुखी थी। राज्य करने वाले खुश में थे और ऐसी विषमता, जो 2 टाइम के कपड़े मिलना, 2 टाइम का खाना मिलना
नसीब नहीं था। ऐसे परिस्थिति में जब शाहजी ने बादशाह में मुजरा किया, जब सरदार भरभरी वस्त्र परिधान कर दरबार के जी हजूर हजूर किया जाता था, शाहजी के साथ में जब शिवाजी गया और वह दाखिल हुआ, शाहजी ने बादशाह को मुजरा किया, शिवाजी ने मुजरा बिल्कुल नहीं किया। शिवाजी का बालपन से ही आज्ञाधारी थे और उन्होंने गुलाम बनने की बादशाह को मुजरा नहीं करूंगा करके बातें की। ये स्वाभिमान आज जीजा माता के कारण ही निर्माण हुआ। जीजा माता का स्वाभिमान ये साधारण बात नहीं थी। शिवाजी ने मुजरा करने को नकार दिया। उन्होंने कहा, मैं मेरे माता और आई भवानी के सिवाय मैं किसी को भी झुकता नहीं। ऐसे बाणेदार उत्तर देने वाले दरबार सब देखते गए आश्चर्यचकित हुए। 300 साल में एक छोटे से बालक ने इस तरह से बातें कहना, ये कोई सादी बात नहीं थी। बादशाह को तो ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। शिवाजी दरबार के बाहर गए। बादशाह शाहजी राव को बोला, जाने दो, बच्चा है। सभी ने धीरे से निवास छुटका हो गई। शिवाजी में रास्ते में चलते चलते एक खाटिक गया को खींच के ले जा रहे थे। गाय कुछ नहीं चलती थी और वो गाय हम्बरडा फोड़ती थी। उस खाटी को बहुत गुस्सा आया। अपनी कमर का भाला गाय पर वार किया तो शिवाजी को ये बातें पसंद नहीं आई। शिवाजी ने दौड़कर उस खाटी को रोका, अपने कमर की तलवार निकाली और खाटी को रोक दिया। इस प्रकार भूत दया, प्राणी मात्रा पर दया, ये बचपन से ही गुण माँ जीजाजी के कारण शिवाजी में आए। शिवाजी की शादी 10 साल में हुई और उस रीति के अनुसार बचपन में शादी इसलिए करते थे कि उस समय मुगलों ने जिस तरह से बच्चियों पर जुलुम किया 300 साल पर, ये बात बाल विवाह प्रथा में आगे आई। जीजाबाई योग्य अपनी बहू शोधने में तैयार हुए और निम्बाकर सई नाम की एक लड़की से अपने शिवाजी का शादी 1640 में बहुत ही ठाट के साथ में जीजा माता ने की। लेकिन ऐसे परिस्थिति में शाहजी राजे अपने लड़के के शिवाजी के शादी में हाजिर नहीं हो सके। वो जहाँ थे मुहिम में, वहीं से उनको आशीर्वाद मिला। जीजा माता, दादाजी कुंडेव, इन्होंने पिताजी की उन्हीं नहीं शादी में नहीं रहते हुए भी शिवाजी को बड़ा आनंद दर्द महसूस नहीं होने दिया। देखते देखते 4 साल निकल गई। शाहजी ने अपने लड़के को, अपने बहू को मिलने के लिए बहुत इच्छा थी। उन्होंने दादाजी को निर्णय भेजा। डिसाइड हुए जीजा माता शिवाजी और सही को, अपने बहू को, दादाजी कुंडे ने बंगलुरु को ले आए और शाहजी को बड़ा आनंद हुआ। 4 साल के बाद अपने बहू को देखता, ये बहुत बड़ी बात थी। शिवाजी ने तो अपने पिताजी को, जब समझदारी आई तब अपने पिताजी को देखा।
यह अजीब कजीब बात उस जमाने में हुई मेरे प्यारे दोस्तों। इस बात को हम ध्यान से देखना चाहिए। उस उम्र में राजा महाराजों के अनेक लग्न होते थे। शाहजी ने भी शिवाजी का दूसरा लग्न मोहिते घराने की सोयराबाई से किया। ऐसे प्रकार कर शिवाजी दूसरी शादी में उनके पिताजी ने ये बातें की। वो भी शादी बड़े थाट से निर्माण हुई। इसके बाद दादाजी कुंडेव सबको लेकर पुणे में गए और शाहजी ने शिवाजी को जहांगीरी का राजा बनवाया। अष्ट प्रधानमंडल ध्वज श्यामराव रणदेकर प्रधान पद सरनौबत उजमदार दबीर ऐसे पदे निर्माण किए। हत्ती घोड़े खजीना और ये सारे बातें लाल महल बहादुर लोगों को वर्णन शुरू हो गया। और इस तरह से शिवाजी को राजा बनाने के पीछे जीजा माता का दूरदृष्टिकोण, बड़ा त्याग, पति को कई साल से छोड़कर अपने बच्चों को शिवाजी बनाया, ये सब बातें हम गर्व से कहते हैं जीजा माता के जयंती पर। दोस्तों मुझे इस बात का गर्व हो रहा है कि आज के दिन हमारे फादर हाउस में जीजा माता का पुतले का अनावरण प्रति हम वहाँ रोपण कर रहे हैं और जीजा माता का पुतला आने वाले 26 जनवरी तक के सावित्री देवी, रमाबाई, जीजा माता और तुकाराम महाराज की प्रतिकृति आपको यहाँ दिखेगी। इस परिसर में आप बड़े शान से घूम सकेंगे। ये फादर हाउस में हर वो कहानी, इतिहास की कहानी दोहराई जाएगी। दोस्तों अगर इतिहास मालूम नहीं है तो इतिहास की पाने अपने को अगर मालूम नहीं होती तो सही इतिहास मालूम नहीं होता। आज जीजा माता नहीं रहती तो हम सब लोग हाथ भर दाढ़ी पहना कर मुगल बन जाते, मुसलमान बन जाते और इस देश का जो कट्टर आज मुख्यमंत्री है वो भी नहीं बन पाता। बाड़ा साहेब ठाकरे उनके पिताजी जीजा माता के कल्याण के कारण आज बॉम्बे में महासत्ता से गौरव कर रहे हैं। आज हम ओबीसी लोग, आज हम महार मराठा सभी लोग आज जीजा माता के गुण से गा रहे हैं। हम ये भूलना नहीं चाहिए। जीजा माता ने अपने बच्चे को जिस तरह से धर्म दिया, ताकत दी, एक आनंद दिया, हम भी हमारे बच्चों को उसी ताकत के साथ में, उसी तलवार के साथ में हम इस महाराष्ट्र को, इस देश को बचाने के लिए कोशिश करेंगे। आज का राजकारण, धर्मकारण बहुत ही बुरी तरफ से जल रहा है। शिवाजी के नाम से लूटा जा रहा है, माँ जीजा माता के नाम से आज स्त्रियों पर अन्याय होते जा रहा है। दोस्तों इस अन्याय अत्याचार के लिए हम लोगों ने आगे बढ़ना चाहिए और हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज महार मराठा सभी एक है। महाराष्ट्र में जीजा माता को साथ देने वाले महार जाधव, साथ देने वाले मराठा जाधव, हम एक ही परिवार के हैं। ये परिवार को हमने भूलना नहीं चाहिए। जब शिवाजी के बच्चे को, संभाजी राजा को मारे गए, टुकड़े किए गए, तब वही गणपत महार था जिसने पूरे टुकड़े बेचकर लाकर अपने दरबार में कोरेगांव वहाँ समाधि बानी और वही कोरेगांव का कांड किया गया। तो वही बदला महारों ने उन पेशवों के साथ में लिया। आज भी पेशवशाही नष्ट नहीं हुई है। आज भी बहुत सारे कादे परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आकर परिवर्तन किया। महात्मा फुले के बाद बाबा साहब ने इन बातों को देखा। शिवाजी की समाधि दब गई थी तब महात्मा फुले ने ओपन किया और बाबा साहब ने सही शिवाजी निर्माण किया। दो ही राजे हैं, एक शिवाजी और एक परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब